तो वही कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझने की जगह उलझती चली जा रही है। 15 दिनों बाद भी देश की सबसे तेज तर्रार जांच एजेंसी सीबीआई ठोस सबूतों के लिए हाथ पैर मारती दिख रही है। सीबीआई झूठ पकड़ने वाली मशीन से सच पता लगाने में जुटी है, जिससे इनके बयानों में जो विरोधाभास है वो क्लियर हो सके। इस बीच देश सवाल पूछ रहा है कि कोलकाता फाइल्स की क्लोजर रिपोर्ट आखिर कब आएगी। दीवारों और बंद दरवाजों के पीछे वो चीखती रही। रहम की भीख मांगती रही, आखिरी सांसों तक लड़ती रही। जबकि ना उसने कम कपड़े पहने थे, ना वो आधी रात घर से निकली थी, ना सुनसान सड़क पर थी, उसकी तो गर्दन में जान बचाने वाला आला था। फिर भी उसे नोचा गया, खसोटा गया, असमत लूटी गई, मौत के मुंह में झोंक दिया गया। हैवानियत की सन्न कर देने वाली कहानी द कोलकाता फाइल्स। देश उबल रहा है, देश सवाल पूछ रहा है, देश इंसाफ मांग रहा है। डॉक्टर बिटिया का बलात्कारी कौन, डॉक्टर बिटिया का कातिल कौन, डॉक्टर बिटिया की रूह को कब मिलेगा सुकून? किसी के पास जवाब नहीं है, किसी के पास 8 और 9 अगस्त के दरमियानी रात का हिसाब नहीं है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कौन कौन शामिल? देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई परत दर परत तलाश कर रही है, केस का रेशा रेशा खंगाल रही है, लेकिन सवाल अब भी अनसुलझे हैं। 15 दिन बाद कितने मिले सबूत, कितने मिले गवाह, कितने दूर रह गए हैं कानून के हाथ? डॉक्टर बिटिया को कब मिलेगा इंसाफ? द कोलकाता फाइल्स। कोलकाता केस की डिटेल दिखाने से पहले पीड़िता के पिता ने क्या कहा सुनिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन ने एक बड़ी चूक की है? पहले से तो हमको अस्पताल के जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट जो है जिसका पास मेरा लड़की को भेजा था, वो ऑन ड्यूटी में था। एक ऑन ड्यूटी में एक जो लड़का हो या लड़की जिसको काम करता है, जैसे हमारा अंदर 3-4 आदमी काम करता है, उसका जो जिम्मेदारी है वो तो मेरा ही है ना जी। कोई दुर्घटना घट जाए तो मेरा हमको ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगा, लेकिन उस लोग अभी तक इसके बारे में आज इतना दिन में कोई हम फोन से भी बात नहीं। जब उनका शव मिलता आपको कितने बजे फोन आया और किसने फोन किया था? 10:53 पर फोन आया और उसके बाद हमने किया, उसके बाद उसने उधर से भी फिर एक बार फोन आया, उनसे बोला मैं असिस्टेंट सुपर बोल रहा हूँ, आपका लड़की लगता है सुसाइड कर दी। डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस की कड़ियां बहुत उलझी हुई हैं। सीबीआई का मानना है कि जो भी बयान उसने अब तक दर्ज किए हैं उसमें कई बयान ऐसे हैं जिनमें विरोधाभास है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर यहां तक दावा किया कि कोलकाता पुलिस ने क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा। बड़ा सवाल ये भी है कि सीबीआई ने जिस क्राइम सीन के सीएफएसएल के एक्सपर्ट के जरिए जांच करवाई, क्या सीएफएसएल के एक्सपर्ट छुपे हुए सबूत नहीं तलाश कर पा रहे? पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ करने के बाद पॉलीग्राफी में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो इसी से संबंधित हैं। आज जो हुआ, आपको वारदात की खबर किसने दी? सेमिनार हॉल के पास मरम्मत क्यों कराया? आपने पुलिस को सूचना तत्काल क्यों नहीं दी? पहला जो सबसे पहले मैंने पकड़ा था वो स्टूडेंट लोग को फेल करवाते थे, फेल करा करके उनसे पैसे अच्छे खासे रकम वसूलते थे और जो उनके बात नहीं सुनते थे, कुछ उसमें स्टूडेंट थे जो ये पैसा को कलेक्ट करते थे, फिर उन्हीं जूनियर स्टूडेंट को वो शराब पिलाते थे, उनको पैसे का लालच
लत लगाते थे। इसके अलावा बहुत सारा बेआईनी काम, जैसे बॉडी का लेके, जैसे डेड बॉडी का लेके तस्करी करना, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का मैंने बताया था, इसको भी मैंने एक्सपोज किया था। संदीप घोष क्या छिपा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? उम्मीद है कि पॉलीग्राफी टेस्ट से दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। लेकिन उस रात क्या हुआ था, इस गुत्थी को समझने के लिए सबसे पहले सीक्वेंस समझना होगा। सूत्रों के मुताबिक 8-9 अगस्त की रात वारदात की टाइमलाइन इस तरह से है। पीड़िता और दो फर्स्ट ईयर के छात्र अर्का और सुमित्र ने 12 बजे रात को साथ में डिनर किया। इसके बाद वो सेमिनार रूम में गए, जहां वो 1:30 से 2 बजे तक रहे और नीरज चोपड़ा का जेवलिन फाइनल देखा। सेमिनार रूम के सामने स्लीप रूम है, जहां डॉक्टर आराम करते हैं। अलका और सुमित्र स्लीप रूम में गए, जबकि पीड़िता सेमिनार रूम में आराम करने लगी। गुलाम ने 2:45 बजे तीसरी मंजिल पर जाने की बात कही, जबकि सुदीप ने कहा कि वो इंटर्न रूम में था। तीनों कमरे, सेमिनार हॉल, स्लीप रूम और इंटर्न रूम तीसरी मंजिल पर एक दूसरे के पास हैं।